हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंकी किचन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की दुल्हन। ये देखिए हमारी दाल की दुल्हन कितनी प्यारी दिख रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दाल की दुल्हन बनाने के लिए हमने एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, लहसुन को हमने कट करके लिया है, और एक चम्मच हमने जीरा लिया है, 2 सूखी मिर्च ली है, 2 हरी मिर्च ली है, और हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट और हींग लिया है। एक कटोरी हमने दाल ले लिया है, दाल को हम अच्छे से धो लिया है, और एक बर्तन में हम इसको बॉईल कर लेंगे। हम कुकर में दाल नहीं बॉईल करेंगे, हमको ज़्यादा दाल नहीं गलाना है। तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और नमक डालेंगे इसमें, और हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ताकि दाल हमारा अच्छे से पक जाए जल्दी। ये देखिए हम लोग नमक ऐड कर रहे हैं। दाल की दुल्हन बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, हम लोग बनाते रहते हैं, सोचा आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करें। तो ये बहुत ही टेस्ट लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, आप लोग भी इसको बनाइएगा। ये देखिए हमने हल्दी नमक और घी डाल के अच्छे से बॉईल कर रहे हैं दाल हमारा। जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हम पानी ऐड करके डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। डो हमको थोड़ा टाइट ही बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं रेडी करना है। देखिए डो हमारी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। छोटे छोटे हम लोग इसका बॉल्स बना लेंगे, और इसको पूड़ी की तरह छोटा छोटा बेल के, और इस पर हम 3 फूल वाली और 4 फूल वाली बनाएंगे। ये देखिए हम लोग को ऐसे ही बनानी है। ये 3 फूल वाले बनाए हैं हमने, देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। ऐसे ही हम एक और बेल के आप लोग को दिखाते हैं बनाकर। देखिए ऐसे ही हमको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला पतला करना है। और इसको देखिए 4 फूल वाली हम लोग ये बना रहे हैं। ऐसे ही बनाकर सब हम लोग रेडी कर लेंगे। आप लोग तो चाहे तो बड़ा डो रोटी की तरह बेलकर आप लोग इसको गिला से भी कट करके बना सकते हैं, वो आसानी होती है बनाने में। ये देखिए हमने बना के सब अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है, गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, और इसको इसमें हम लोग देखिए हमने गर्म पानी ऐड कर लिया है, और इसमें हम सब एक एक करके डाल दिया है दाल को, और 15 मिनट तक हम इसको पका लिए। देखिए हमारी दाल की दुल्हन बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, और घी में हम जीरा डालेंगे। 1 चम्मच हमने जीरा लिया था, उसको जीरे को जब तड़कने लगेगा तो हम इसमें हींग डालेंगे। और देखिए जीरा हमारी तड़क रही है, इसमें हम हींग डालेंगे, और जो हमने लहसुन को चॉप्ड कट करके लिया था उसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेंगे लहसुन को। 2 हरी मिर्च और सूखी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें हींग ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें अच्छा कलर आता है तड़के में। और ये देखिए हमारी तड़का रेडी हो चुकी है। अब ये कितनी प्यारी दिख रही है, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कराना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।